जस्ट क्लोज योर आईज। डीजे मयंक है अबे। डीजे कैट। बॉलीवुड नाइट बहुत फेमस है। अब लगेगा ये सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूँ, मेकअप स्क्रीन पे आ जाते हो। वापस आ गया हूँ, रात के 5 सुबह के 5 बज रहे हैं। इतनी भारी बनी है, हम चेक करेंगे अभी। हम आयरलैंड में ढोल वाला डांस। मेहनत लगती है तैयार होने में लड़कों को। योगा विद प्रीति। लेट्स गो। यो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज डीवीएक्स ऑन द बीट। और आज बहुत ही बढ़िया दिन है, तो आज मेरा पहला गिग है डबलिन में। ये हो रहा है वेल सिटी सेंटर, तो बहुत क्रेजी सा दिन है। एंड मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने पहले गिग के लिए। और हाँ, भी मैं जिम में हूँ, सो ये रहा जिम। मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले कनेक्ट किया, जो जो मुझे लोग बढ़िया लगे ना यहाँ पे, जो अच्छे अच्छे शोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें कनेक्ट किया। बाय द वे, मैं अभी अपने जिम में हूँ। जिम का नाम है वेस्टवुड, वेस्टवुड लेपर्ड सावन वाली, बहुत ही सच्ची जगह पे है। सामने रेस कोर्स है, मतलब लिटरली हॉर्स राइडिंग जिम से देख सकते हो, प्रॉपर व्यू है। मैं बता रहा था मुझे गिग कैसे मिला। सो मुझे ये गिग ऐसे मिला कि मैं डीजे मयंक है यहाँ पे, उनको सबसे पहले मैंने डीएम किया। काफी सारी और इवेंट है जिनसे उन सबको डीएम किया, एंड देन सबसे उन्होंने खुद से रीच आउट कर लिया। प्रोफाइल अच्छी थी, आर्टिस्ट सही था, सो गिग मिला फाइनली। तो यहाँ बॉलीवुड नाइट्स बहुत फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, मतलब इंडियन में तो काफ़ी फेमस है। तो बॉलीवुड नाइट में मैं डीजे मयंक के साथ परफॉर्म करने वाला हूँ आज, एंड बहुत मज़ा आने वाला है भाई। मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल की तरफ, क्योंकि भाई वही मेरा एक मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये देखो, साइकिल का हेलमेट और इतनी सारी जैकेट्स पहन रखे मैंने। वैसे यहाँ पे मेरे को ना अभी तक कोई ज़्यादा बीट बॉक्सर्स मिले नहीं है। आई एम श्योर होंगे, कोई ना कोई कम्युनिटीज़ होंगी इनकी, बट अभी तक मुझे कोई पता नहीं लगा। जनरली अब तक कनेक्ट हो जाता है ये, मे बी या मैं, मेरे को ही थोड़ा सा टाइम हो तो शायद इसलिए पता नहीं लग रहे। साहब कौन सी गाड़ी है ये? आयन सिक्स। यहाँ बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं भाई। अभी मैं आपको सबसे बेस्ट कार डबलिन की दिखाने वाला हूँ। मतलब इतनी बढ़िया कार है ना, आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी। और वो है भाई ये रही मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल। ये है बेस्ट चीज़। अगर आपको इनिशियल डेज में ज़िंदा रहना है तो एक चुपचाप एक साइकिल खरीद लेना। महंगी हो सकती है, मैं मानता हूँ महंगी होगी, बट खरीद लेना, वरना सड़कों पे धक्के खाते रहोगे। अब मैं हो रहा हूँ गिग के लिए तैयार। एंड हाँ यार, ये सेक्सी प्रिंटेड मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, कुछ अलग सा ही फील आता है। देखो अगर ऐसा दिख रहा हूँ मैं इस टाइम पे। एंड यस शिट यार, कितना थक गया हूँ मैं भाई। कॉलेज भी था सुबह, जिम भी गया, और अभी जा रहा हूँ गिग में। लेट्स गो। अलेक्सा लाइट्स 100%। Drawing room light isn't responding. Please check its network connection and power supply. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. भाई साहब, ये गिर जाती ना फट जाती मेरी। इतनी मेहनत लगती है तैयार होने में लड़कों को, देख रहे हो? ये सोच सोच के भी मुझे डर लगता है कि जो लेडीज हैं इतनी सारी चीजें पहन के कैसे घूमते हो, क्या क्या गिर जाता होगा यार। ये मेरे से एक ये नहीं संभलती। अब लगेगा ये भाई, मुझे भी कोई पहना दे यार पीछे से। वो शायद टीवी शोज में ही दिखाते हैं कि भाई कोई बंदा आ रहा है, मेरे केस में कोई बंदी आएगी और ये पहनाएगी। सही है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है तैयार होने का, मेकअप। अब गुस्सा हो गई भाई। सबसे पहले कोई क्रीम लगा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या है ये। कहाँ लगा, ये फाउंडेशन की तरह लगानी है या कलर करेक्शन? बेस और कलर दो काम कर देती है एक साथ ही, खाली यही और इस पे ये इनफ है, फाउंडेशन की जरूरत नहीं है इसके बाद। आपके तो नहीं, बस यहाँ पे दाढ़ी पे लगाते हैं क्या लोग? दाढ़ी पे नहीं मेकअप ना, तो इस तरफ नहीं लगाना है दाढ़ी पे। मेकअप में पता है सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद समझ आई मुझे। तो जब फोन पे बात करते हैं ना, तो सारा मेकअप स्क्रीन पे आ जाता है और स्क्रीन का कलर बदल जाता है पूरा। ये सब लड़कियों को पता है, लड़कों को पता ही नहीं होता ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। कैसी प्रॉब्लम? नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, बट ये अच्छा चलता है मेरे पे। ये मेरी कजन है, उसने सजेस्ट किया था, उसका इंस्टाग्राम है लेंस टू माय सोल। वैसे वो खाना बनाती है, बट उसका मेकअप मेरे को लगता है शायद खाने से बेटर मेकअप करेगी वो। नहीं ऐसा नहीं है, वैसे खाना ज़्यादा ही अच्छा बनाती है। ये है, ये बहुत बढ़िया योगा करती है। ओह माय गॉड। हाँ, इसका ब्रांड नेम है, क्या है तेरा चैनल का नाम जो लोग देख सकते हैं? योगा विद प्रीति।
योगा विद प्रीति इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी सेम ही है। यस। अरे देख रिंग लाइट पे देख कितना सही लग रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ दुआस का, काफी नर्वस हूँ मैं इस टाइम, पहला गिग है ना डबलिन में। ओके फाइनली पहुंच गए हैं एंड दैट इज द वेल एक्साइटेड बहुत ज्यादा। इतनी भारी वेन्यू है भाई, दो फ्लोर की वेन्यू है। एंड हियर भाई साहब भारी, मतलब वीलॉग के हीरो आ चुके हैं ये कैश, और ये देखो देखो पहले भैया मतलब परफॉर्मर से पहले आकाश आए हैं यहाँ पे। तो अभी सेटअप चल रहा है एंड साउंड चेक करेंगे अभी हम, तो एक घंटे पहले आना पड़ता है इसके लिए, इसी वजह से बहुत सारे शोज देर से चालू होते हैं क्योंकि साउंड चेक नहीं होता। हमारे डीजे यहीं पे खड़े हैं और ये यही स्टैम्पिंग करेंगे आज सारी। अरे कैसे कब चालू कर रहा है? बस अभी थोड़ी देर में। अब काफी क्राउड आने लगा है, काफी बढ़िया मजा आने वाला है भाई। यार लाइन लग रही है। तो भी ये हो रहा है आयरलैंड में ढोल वाला डांस, अब ढोल हो रहा है खत्म और यहाँ पे हो रही है भारी पार्टी। अब मैं फाइनली घर वापस आ गया हूँ और अभी हो रहे हैं रात के 5, सुबह के 5 बज रहे हैं। काफ़ी बढ़िया था गिग, पता नहीं घर पहुंचा कैसे हो, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, बट काफ़ी इनसेन था। थैंक यू सो मच यार, जो जो आया बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया गया एंड बहुत मज़ा आया। ऐसे ट्यून्ड इन रहना इंस्टाग्राम पे भी, DBX ऑन द बीट,
यूट्यूब पे भी DBX ऑन द बीट और बहुत चिल करेंगे हम लाइफ में। पीस आउट। रुबल जस्ट क्लोज योर आईज, डोंट मेक दिस गंदा सा शक्ल।